गिद्दी रेलीगढ़ा बसरिया स्थित मकर संक्रांति पर साधु कुटिया मेला का आयोजन। गिद्दी रेलीगढ़ा बसरिया स्थित आज मकर संक्रांति के उपलक्ष पर साधु कुटिया मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवियों ने फीता काटकर किया। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष विनोद किस्कू ने कहा कि रेलीगढ़ा बसरिया में मकर संक्रांति पर साधु कुटिया मेला का आयोजन पिछले सदियों से पारंपरिक तरीके से होते आ रही है। इसी परंपरा के तहत आज हम कमेटी के लोगों द्वारा भव्य मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दाढ़ी प्रखंड प्रमुख एवं परियोजना पदाधिकारी एएन सिंह ने कमेटी के लोगों का आभार व्यक्त किया। कहा, इस तरह का सांस्कृतिक मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे परंपरा को पारदर्शी करती है। आपको बता दें, साधु गिद्दी प्राचीन शिव मंदिर साधु कुटिया में मेला का उद्घाटन जीप सदस्य पिंकू देवी एवं विशिष्ट अतिथि तिवारी महतो, रेलीगढ़ा परियोजना पदाधिकारी एएन सिंह, गिद्दी थाना प्रभारी सुधीर प्रसाद साहू, प्रमुख दीपा देवी, टोंगी मुखिया रिंकी देवी, गिद्दी ख पंचायत के मुखिया उषा देवी, प्रदीप रजक, सुभाष यादव, प्रेमचंद शर्मा ने संयुक्त रूप से विधिवत पूजा अर्चना कर एवं फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत त्यौहार मकर संक्रांति मेला का आयोजन किया गया और मेला सज धज कर तैयार ऐसा था जिससे लोगों ने खूब सराहा। उद्घाटन के दौरान सभी प्रतिनिधियों ने साधु कुटिया मार्ग को दुरुस्त कराने के लिए एक स्वर बात रखा और बहुत जल्द सड़क निर्माण कराने की बात कही गई। इसके बाद नागपुरी सांस्कृतिक मंच के कलाकारों को एक से एक संगीत गाकर शिव भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर विनोद किस्कू, सनी मांझी, रामदास मांझी, लालदेव मांझी, दीपक झा, महादेव महली, राजेश सिंह के साथ कई लोग मौजूद थे। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। के द्वारा आयोजन किया गया है और इस मेले का आयोजन आज से नहीं, बहुत पुरानों वर्षों से होते आ रहा है। कम से कम इसको लगभग 150-200 वर्ष से इसको मनाया जा रहा है और हर वर्ष इसी उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। और यहाँ जो है बहुत ही नामी और प्राचीन शिव मंदिर साधु कुटिया नाम से यहाँ प्रचलित है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए या अपना जो भी आशा विश्वास लेकर के लोग आते हैं उसका सब मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। और यही मतलब श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसी उत्साह के साथ हम लोग हर वर्ष साधु कुटिया में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग मेला मनाते हैं। यहाँ जैसे आए देखे, रास्ता बहुत खराब है और जैसे यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं, बहुत कठिन परिस्थिति में उन लोगों को आना पड़ता है। इसको लेके कभी आप लोग जनप्रतिनिधि या प्रशासन को अवगत कराए हैं रास्ता? नहीं, इसके लिए हम लोग सभी जगह इसका हम लोग प्रतिवेदन दिया गया है। आपका ये आप सीसीएल अधिकृत क्षेत्र में भी आता है, हम लोग सीसीएल को भी दिए हुए हैं कि इस पर्यटक स्थल को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए रोड का और चाहे शेड का निर्माण हो, हम लोग इसको सुविधा के लिए दिए हुए हैं आवेदन। इसको जल्द से जल्द इसको निष्पादन करें, रोड का समस्या हो चाहे यहाँ शेड का निर्माण का समस्या हो। मंदिर का नाम मेरा विनोद कुमार किस्कू हुआ। साधु कुटिया श्री श्री प्राचीन शिव मंदिर के साधु कुटिया में आज इतना बड़ा आयोजन में हम सभी को यहाँ पे बुलाया गया, इसके लिए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सर्वप्रथम हम लोगों की पूजा अर्चना हुई, फिर से आदिदेव महादेव जी का हम चाहेंगे कि एक इस मन से जोरदार जयकारा आप सभी लगाए। जय शंकर भगवान की। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड, हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन, आपके साथ, आपके लिए, इन एसोसिएशन विद सांध्य दैनिक, बिरसा का गांडीव, शहर की धड़कन।